आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी एंड टेस्टी गोंद का गुड़, जो नानी दादी बूढ़ों बच्चों जवान सबको पसंद होता है। हेलो, आपका स्वागत है शमा फूड किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों का तोहफा गोंद का गुड़, जो बच्चों और बूढ़ों और जवान को भी ताकत देता है। जिसमें हम डालने वाले हैं गोंद, जो जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम इसमें बादाम भी डालेंगे, जो आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, आपके दिमाग को तेज़ करेगा। इसमें हम सारी फ़ायदेमंद चीज़ें डालने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 1 किलो गुड़, और ये है गोंद, ये हमने आधा कटोरी लिया है। ये है बादाम, जो हमने इस तरह से काट लिया है। ये है काजू, इसको भी हमने ऐसे काटा है। और ये है सूखा हुआ नारियल, जिसको हमने इस तरह से घिस दिया है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसके अंदर हम गोंद को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम आधा चम्मच घी डालेंगे, देसी घी है ये। ये बड़ा चम्मच है, हमने इसका आधा चम्मच डाला है। अब हम इसमें गोंद को डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये एकदम से फूलने लगेगा, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। देखिए इस तरह से होगा। ये देखिए हमारा गोंद हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसमें 1 कटोरी मखाना भी डालेंगे, हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें भी आधा चम्मच घी डालकर इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से चलाते जाना है। मखाना देखिए सारे घी को अपने अंदर सोख लेता है। ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में घी नहीं दिख रहा है। ये देखिए गोंद को हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करना है आपको। आप सबसे पहले गोंद को ठंडा करके उसके बाद आप इसे हाथ से करिएगा, अगर आपके पास मशीन ना हो तो। ये देखिए गोंद कितना बारीक हो चुका है, ये देखिए। अब हम मखानों को भी निकाल लेंगे। ये देखिए मखानों को भी हम इस तरह से फोड़ देंगे मैशर की मदद से, इस तरह से। ये देखिए गोंद और मखाने दोनों मैश हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में गुड़ को डालेंगे। हम गुड़ में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। छोटा चाय का चम्मच समझ लीजिएगा, 2 चम्मच डाल दीजिएगा आप पानी जो हमने इसमें डाला है। अब हम इसको इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए गुड़ पिघल रहा है। आप गुड़ को मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं, जिससे कि गुड़ जले नहीं। ये देखिए हमारा गुड़ हो चुका है। थोड़ी थोड़ी अगर गुड़ी बनी रह जाए तो उनको इस तरह से फोड़ लीजिए। ध्यान रखें गैस की फ्लेम लो मीडियम ही होनी चाहिए। ये देखिए अब हमारे गुड़ में बिल्कुल भी गुड़ी नहीं है, एकदम पिघल चुका है हमारा गुड़।
अब इस स्टेज पे हम बड़ा आधा चम्मच घी डाल देंगे, बड़े चम्मच से। आप इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह से बबल्स आने चाहिए। इस स्टेज पर आप गैस बंद कर दें। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, अब हम इसमें काजू डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें सूखा नारियल भी डाल देंगे घिसा हुआ और इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसके अंदर मखाना और गोंद दोनों को डाल देंगे। और अब हम इसे इस तरह से चला लेंगे। अब हम एक प्लेट में देसी घी को लगाएंगे। ये देखिए ये प्लेट थोड़ी सी इधर से उठी हुई है। अब हम इसको इस प्लेट में उतार लेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसको एक घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये जम जाए। ये देखिए अब हमारा गोंद गुड़ बिल्कुल तैयार है, ये सख्त हो चुका है। ये देखिए अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे छुरी की मदद से। ये देखिए हमने इसके नीचे घी लगाया था तो ये इस तरह से निकल गया है। अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से छुरी की मदद से काटेंगे। ये देखिए हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखिए अब हमारा गोंद का गुड़ बिल्कुल तैयार है। आप इसे 6 महीने साल भर के लिए स्टोर कर रख सकते हैं और ये प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।